बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साधनी आत्म में जागत नहीं, सपने सवत लो। दरअसल स्वप्न अवस्था अज्ञान में अवस्था है। साहब भी कह रहे संतो जागत नींद न कीजिए। सहजो सपने होते हैं रोग भोग और जोग, ये सब सपने हैं। जगत है रैन का सपना। नानक देव जी भी फरमाए जो सपना पेखना जग रचना तिम जान, इसमें कस साचो नहीं, यह नानक साचे मान। सच में ये स्वप्न है। आत्म में जागृत नहीं, मन आत्म मन अपना वर्चस्व रखना चाह रहा है। मन बहुत बुरी चीज है। मन थिरकर परमात्म जाना, ये चंचल है आपका, इससे बड़ा कोई बैरी नहीं है। कोट बरस एक छिन लगे ज्ञान दृष्टि जो। अब यहां साहब क्या करें, कोटि जन्म का पंथ था गुरुपल में दिया लगा है। छायावाद है साहब का, बिल्कुल जो साहब ने बोला वही चीज पलट के कही जा रही। सभी संतों ने कहा विसर जगत और बने सहजो सपने सोए, ऐसे ही सब सपने स्वर्ग मृत्यु पाता। आगे क्या करिए सहजो भाई, तीन लोग छल रूप है। वाह ये सब धोखा है, इंद्रजाल है। मैं हमेशा कह रहे हैं कहता हूं ब्रेन इज फ्रॉड, ब्रेन फ्रॉड है। इसकी चिंतना केवल भौतिक पदार्थों की तरफ है। ये आंखें इस दिमाग के, ये कान इस बुद्धि के हैं, ये नासका इस बुद्धि की है, रोम रोम उस मन का है। देव निरंजन सकल शरीरा तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। अज्ञानी जानत नहीं लिप्त भया कर भोग, इसलिए विषय विकारों में ये मनुष्य लिप्त है। सहजो जगत अनित्य है, आत्म को नित जान। सहजो सपने एक पल बीते बरस पचास, आंख खुले सब झूठ है ऐसा ही घरवास। इंसान सपने में जाता है न जाने कहाँ कहाँ घूमता है, क्या क्या चीज देखता है, लेकिन स्वप्न देखने के टाइम सभी वस्तुएं नित्य लगती है। आंख खुली सब पे जो सपना पेखना जब जग रचना तिम जान, इनमें कस साचो नहीं नानक साची मान। मृग तृष्णा जल साच है, जब लग निकट में जाए सहजो तब लग जग बंधो सदगुरु दृष्ण पाए। वाह बड़ा सुंदर उदाहरण दे रहे, कह रहे मृग तृष्णा सत्य लगती है, कब तक, जब हम पास पहुंचेंगे तो वहां नहीं है वो। इस तरह जब तक ज्ञान दृष्टि नहीं है ये जगत सत्य लगेगा, बाद में ये सब मिथ्या और क्षीण हो जाता है। जैसे बालक जल विषय देख देख डर पाए, समझ भई जब भ्रमण का सहजो रह कैसे आए। वाह कभी कभी बच्चा अपनी परछाई में जल में भी अपने को देखकर डरता है, लेकिन जब समझ आ गई तो वो कुछ भी नहीं है। ज्ञानी को जग झूठ है अज्ञानी को सच, कोट लाल कागज लिखे सहजो बैठा बाज। जगत तरे या भोर की सहजो ठहरत ना है, जैसे मोती ओस की पानी अजली माँ है। वाह वाह अजली में पानी नहीं ठहरता है, जैसे ओस की जो मोती है वो स्थिर नहीं है, ये जगत भी स्थिर है। जगत है रैन का सपना। ऐसे ही जग झूठ है
आत्म को नित्य जान, आत्म नित्य सहजो काल न खा सके ऐसे रूप पहचान, वो जरा मरण से परे आत्मा। वाह, जैसे नाता आदि का बिसर गया थे चोर, नया पुराना हुए ना घुन नहीं लागे जास, उसको घुन नहीं लग सकता है। सहजो मारा ना मरे भय नहीं व्याप्यता, नित्य है वो भी परमात्मा, उसका अंश है। इतना तो हमारे वेद शास्त्र भी कह रहे हैं। किरे घटे चीजे नहीं तान भिजवे नीर, पानी कीड़े वगैरह उसे नहीं खा सकते, और नीर भिगो नहीं सकता है। ना कहो कि आश्रय, ना कहो किसी, किसी के आश्रय पर नहीं है। रूप वर्ण वाक्य नहीं सहजो रंग न देह, वाह गजब है। है प्रगट पर दिसत नहीं, सदगुरु सेन सहारा है। मित्र इष्ट वाक्य नहीं जात पात नहीं गए, वाह एक ऐसा एलिमेंट है वो, इसलिए उसे परमात्म तत्व कहा। बस हम सब की पकड़ पहुंच पंच भौतिक तत्वों तक है, हम सब इसकी पारख रखते हैं, वो इनसे परे है, इसलिए किसकी उपमा दे। उपमा दूं मैं काश, काश की कहां की साहब, कह रहे किसकी उपमा दूं, जगत में उसकी कोई चीज ही नहीं है, इसलिए उसे अनुपम भी कहा। वो तत्व है आत्मा भी, वो तत्व है जो दिस आ वो है। ये पिंजरा नहीं तेरा हंसा, ये पिंजरा नहीं तेरा, रात दिवस तामे नहीं शीत उष्ण नहीं सोए, आग जला जला सके नहीं शस्त्र सके न काट, नैनम छिद्राणी शस्त्र, नैनम दहंती पावक चन शोषंती मारुत, जल उसे गला नहीं सकता, वायु उसे सुखा नहीं सकती, अग्नि उसे जला नहीं सकती, शस्त्र उसे काट नहीं सकता, आकाश उसे विलोम नहीं कर सकता। अभौतिक रूप सुखा सके नहीं, पवन सके नहीं आठ आठ उड़ाना, पवन उसे उड़ा नहीं सकते, ज्यों की त्यों। मात पिता बाके नहीं, नहीं कुटुंब को साज, सहजो वाह न रूप न रखता ना काहू को राज, आदि अंत बाके नहीं मध्य नहीं तेहमा, वाह आदि अंत मध्य से भी परे, क्या अनूठी व्याख्या है। मैं ये कहना चाह रहा हूं दुर्वासा जी साहेब के शिष्य थे, प्रमाण मिलते हैं, इसलिए वासुदेव कृष्ण जी ने 18वें अध्याय में जो चीजें कही हैं बिल्कुल साहेब की वाणी से मिलती है। वार पार नहीं सहजिया लघु दीर्घ भी ना है, परलय में आवे नहीं उत्पत्त हुए न फेर, वो उत्पत्त परलय से भी परे है। जाके क्रिया कर्म ना खट दर्शन का भेष, वो खट दर्शन में भी नहीं आ सकता, इसलिए उन्हें अनिर्वर्शनीय भी कहा, इसका वर्णन नहीं हो सका। वाह अनुपम अनीह
जाके क्रिया करना खट दर्शन का भेष गुण अवगुण ना सहजिया ऐसो पुरुष अलेख अलेख है खट वाह रूप नाम गुण से रहित नाम कहो तो नाम न पाका नाम धरा काल तह ताका साहेब ने कहा पांच तत्व से दूर जहां पांच तत्व है वहां नाश है। कुछ महाशय लोग कह रहे हैं सतलोक में झरने बह रहे हैं, अरे जब वहां पानी है तो नदी भी होगी फिर जमीन भी है तब तो वहां पर नाश होगा, नाश तो पांच तत्व का है, इसलिए वो इन तत्व से परे तत्व रहित रविचंदन तारा। गुण अवगुण ना सहजिया ऐसो पुरुष अलेख खट दर्शन और भेष उसको नहीं समझ सकते। चरणदास गुरु ने कही सहजो क्षमा हुजूर आपा खोए पाइए और जतन नहीं को। वाह यहां भी कह रहे आपा खोइए, आपा खोने का मतलब है ये व्यक्तित्व हूं मैं जिसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार है पांच कर्म इंद्रिया पांच ज्ञान इंद्रिया अंतःकरण की इंद्रिया ये रोम रोम भरा ये तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। देव निरंजन सकल शरीरा तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा गोस्वामी जी भी बड़े सुंदर अलंकार से कह रहे हैं छिज जल पावक गगन समीरा पंच तत्व को अधम शरीरा। नानक देव जी भी कह रहे पांच तत्व को तन रचो जानो चतुर सुजान इसमें कछु साचो नहीं नानक बिन भगवान इसमें कुछ भी सच नहीं है। नीर चीर निरताय के सहजो सुरत समाये यार सुरत की बात आ गई यार। साहब ने न तो ज्ञान योग को महात्म दिया न कर्म योग को महात्म दिया न अन्य गुणों को महात्म दिया सिर्फ कहा सुरत संभालना। भिन्न भिन्न दोनों करे वही सांख्य मत भेद जीवन और विदेश सो मुक्ति पाए तजखेत जागृत और सुसुप्ति स्वप्न अवस्था तीन काय से होते हैं घटे बड़े हैं क्षीण तुरिया एक रस आत्मा इनते परे निहार। अभी यहां भी कह रहे तुरिया से भी परे जाओ प्रज्ञा अवस्था से भी वाह यहां साहब कह रहे तुरिया तीत ताहे के पारा वाह तुरिया फिर तुरिया तीत महाप्रज्ञा ताहे के पारा उसके भी आगे वहां भी मन है तुरिया तीत में भी मन वहां गौण अवस्था में जैसे सर्दी में सांप ऐंठ जाए चल फिर नहीं सकता लेकिन जिंदा रहता है गर्मी पाकर फिर एक्टिव होता है। तुरियातीत में मन से संबंध विच्छेद नहीं होता मन तो मृतक अवस्था में रहता है। यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं कोई कोई पहुंचा ब्रह्मलोक तक धर्म आया ले आई इनके परे निहार इंद्री मन गह ना सके वहां इंद्रियां और मन की पहुंच नहीं है। सहजो तत्व पार जिभ्या चाक सके नहीं स्वर्ण सुने नहीं ताँ नैन बिलोक सके नहीं नासा त्वचार न जा पाए। वाह अर्जुन वो आत्म तत्व कर्म ज्ञान इंद्रियों से नहीं पाया जा सकता है और अंतःकरण की चार सूक्ष्म इंद्रियों से भी उसका अनुभव नहीं हो सकता। सोचे ना ये ऐसा तत्व है बहुत बारीक सब्जेक्ट है। बस अध्यात्म में लोग ऐसे उलझ जाते हैं कुछ कुछ लोग तो पढ़ते ही नहीं है सोचते बड़ा झंझट है। हमारे आर्मी में एक
सुंदर लड़का था, सिख लड़का, हेल्दी, बहुत खूबसूरत पर्सनैलिटी, मैथ्स बेटर में भर्ती हुआ था। मैंने उसको कहा, भैया यार सिपाही में ही भर्ती होना था। बोला, गुरुजी अपना पढ़े लिखे नहीं थे। मैं फिर कहा, पढ़े क्यों नहीं? बोला, सानू कायदे में 5 साल लग गए। तो मैं सोचा कौन अभी उम्र पूरी पड़े, कायदा ही यानी पहले दर्जे में 5 साल उसे लगे तो पढ़ा। इसी तरह अध्यात्म जगत को लोग जह जाना तह निकट है, रहा सकल घटपुर, बाड़ी गल गुमानते ताते पड़ गए। जिभ्या चाक सके नहीं, स्वर्ण सुने नहीं ताए, नैन बिलोक सके नहीं, नैन आंखें भी उसका अनुभव नहीं कर सकती है, नासा त्वचा न पाए, नासका और त्वचा भी उसको अनुभव नहीं कर सकते। सूरत ही से जानिए चित बुद्धि थक थक जाए, वो सूरत से ही जाना जाएगा, वो दिव्य दृष्टि आपके सूरत में है। अभी यहां साहब एक बात कह रहे हैं, सूरत से देख सखी वह देश, तीन भांति हंकार की सो भी पावे ना, वाणी में नहीं आएगा, हकार मकार सकार आदि में नहीं आएगा। जाके रस नहीं, रूप नहीं, गंध नहीं, बाट और शब्द नहीं, स्पर्श नहीं, सहजा वा कुछ और, वो कुछ और है। जैत खोजत ब्रह्मा थके, सुर नर मुनि और शेष, कहे कबीर सो पाइये कर सतगुरु की सेव। गुण तीनों से हैं परे, तामे रूप नरेख, निराकार आकार सब निर्गुण और गुणवंत है, ना ही सुरहित है सहजो यो भगवंत। वो निराकार भी नहीं है, साकार भी नहीं है, बस है जैसा तैसा रहे, कहे कभी विचार। अब साहब क्या कह रहे हैं, साकार कहो तो माया माई, निराकार कह आहे नहीं, है जैसा तैसा रहे, कहे कबीर विचार। सुने अचंभव सो लगे, सहजो ब्रह्म अले अले। सुनने में बड़ा आश्चर्य लगता है, वो बेलाग है, उसका कोई मित्र नहीं, उसका कोई शत्रु नहीं, है अखंड व्यापक सफल, सहज रहा भरपूर, ज्ञानी पावे निकट ही मूर्ख जाने दूर, जोगी पावे जोग से ज्ञानी रहे विचार, सहजो पावे भक्ति से जाके प्रेम आधार। हुआ सहजो रहे मन वासना, तैसे पाए ठोर, जैसी आज तस्वास है निश्चय करी कठोर। पता है क्या होता है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जहां आशा तय भाषा हुई डार सके ना। एक लड़की मेरे पास आई, बोला गुरुजी मेरे पापा उनकी डेथ हो गई, अब वो मुझे मिलते हैं, मुझसे पानी मांगते हैं,
मैं बोला पानी क्यों मांगते हैं बेटे? बोला गुरुजी वो मुझे कहे जब शरीर में थे कि बेटे एक गिलास पानी लाओ पीना है। मैं पानी लाई, उनको एक गिलास दिया, उन्होंने टीवी पर रखा पानी का गिलास, कुछ काम कर रहे। बाद में वो टीवी खोले, टीवी का सर्किट शॉर्ट हुआ, करंट आई, वहीं उनकी ऑन स्पॉट मौत हो गई। वो गिलास वो पानी नहीं पी पाए थे। यानी उसके हृदय में ये था कि पानी पीना है। इसलिए फांसी देने के टाइम पर भी पूछते हैं आखिरी इच्छा क्या है। जय आशा तह भाषा हुई टार सके ना कोई। इसलिए ही सन्यासी लोग जगत के सभी रिश्ते नातों को जीते जी छोड़ देते हैं। मैंने एक बार इसकी व्याख्या दी। मैं लोगों से पूछता हूं, हम सब क्या कहते हैं? हिंदू धर्म महान है, अच्छा है, मैं पूछता हूं हिंदू धर्म महान क्यों है? मुझे उसका व्याख्या नहीं मिलती है। आओ मैं बताता हूं ये धर्म महान क्यों है। इस धर्म की एक मान्यता है ईश्वर है, ये धर्म ईश्वर के अस्तित्व को मानता है। अगर आप यहां कहें कि महाराज ईश्वर को तो सब मानते हैं, ना ना ना, यहां मैं सहमत नहीं हूंगा। बुद्ध मत में कहीं ईश्वर का उल्लेख नहीं है, महात्मा बुद्ध ने भी आत्मा तक की बात कही है। कहीं परमात्म शब्द आपको अष्टांग योग में मिलेगा ही नहीं। जैन मत में भी परमात्म शब्द नहीं है, आत्मा तक की बात है। मैं उनको उनकी निंदा नहीं कर रहा हूं, वो आत्मा तक ही बोलते हैं, आत्मा ही परमात्मा है। पर यह धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। इस धर्म के दो सिद्धांत हैं, सत्य और अहिंसा। अगर आप इस संस्कृति इस धर्म में हो तो आपको इन दो चीजों का पालन करना पड़ेगा। सत्य, सत्य अष्ट प्रकरण, सत्य के आठ प्रकरण है, सत्य आठ चीजों को मिलाकर है सत्य। जैसे भाई कहते भोजन खाओ, भोजन क्या है? भोजन में चपाती, चावल, दाल, सब्जियां आदि मिलाकर भोजन एक शब्द बना। इस तरह सत्य में आठ चीजें, सत्य बोलना, सत्य ही देखना, सत्य ही सुनना, सत्य ही कर्म करना, सत्य ही चिंतन करना, सत्य ही खाना, सत्य ही संग करना। इस तरह ये धर्म कह रहा है सत्य। अहिंसा, अहिंसा क्या है सुन, उसके भी आठ अंग है। मन वचन कर्म से किसी को दुख न देना, किसी से राग नहीं रखना, किसी से ईर्ष्या नहीं रखना, किसी का अपमान नहीं करना, सब जीवों में परमात्मा देखकर उनका सम्मान करना। अब आप सोचें, वेद भी तो कह रहा है सत्यमेव जयते और अहिंसा परमो धर्म, इसलिए ये महान है। आप विचार करें, जब आदमी इन चीजों को शील आदि को धारण करेगा तो कितना महान हो जाएगा। इसलिए ये महान धर्म है, ये सबको ये प्रेरणा दे रहा है, भाईचारा रखना,
अहिंसा परमो धर्म, किसी जीव को नहीं मारना, किसी से राग नहीं रखना, किसी से दुश्मनी नहीं रखना, किसी से ईर्ष्या नहीं रखना। और इसका एक लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति। ये धर्म बोल रहा है, हे मानव, भय आहार मैथुन निद्रा तुम्हें हर जीवन में मिली। हर शरीरधारी में भय है और ये मैथुन सृष्टि है। चीटी से हाथी पर्यंत सब संभोग करते हैं, सेक्स करते हैं, इसको मैथुन सृष्टि भी कहते हैं और मातलोक भी कहते हैं और मृत्युलोक भी कहते हैं, क्योंकि सबकी यहां मौत होती है। मातलोक क्यों कह रहे, सब मात गर्भ से आए। मैथुन सृष्टि क्यों कहते हैं, नर नारी के योग से ही आदमी का शरीर बन रहा है, ये मैथुन सृष्टि है, ये ब्रह्म सृष्टि नहीं है, मैथुन सृष्टि है। इसलिए तुम्हारी आत्मा अनादि अनंत है, भय आहार भोजन सभी खा रहे हैं। अच्छा, भय सबको है, शेर को भी भय है, हर शरीरधारी को भय है, चोट का भय, आग का भय है, ऊंचाई से नहीं गिर पड़े भय है, भय ही भय। आहार सभी खा रहे हैं, हंसा मोती खा रहा है तो बगुला मछली और कौवा गंदगी खा रहा है, खा सब रहे हैं। तोता फल खा रहा है तो कौवा गंदगी भी खा रहा है, गुबड़ोला गोबर खा रहा है, केचुआ मिट्टी खा रहा है, खा सब रहे। केचुआ मिट्टी क्यों खा रहा है, केचुए में भी खून है, उसके अंदर एक सिस्टम है, मिट्टी के अंदर से धातु निकालता है। मैंने कहा ना 60 एलिमेंट्स आर कंटेन इन सोइल। वाह, ये सब है इसलिए निद्रा, सब सो रहे हैं, कोई पलंग पर सो रहा है, कोई घोड़े की तरह खड़े खड़े सो रहा है, हिरण की तरह, कोई चमगादड़ की तरह उल्टा सो रहा है लटक कर, सो सब रहे हैं। इसलिए हर शरीरधारी में चार चीज है, भय आहार मैथुन निद्रा, ये सभी योनियों में मिला। जो इंद्र इंद्राणी के साथ इंद्रासन पर संभोग का सुख प्राप्त करता है, वही सूकर सूकराणी के साथ कीचड़ में प्राप्त करता है। इसलिए यह धर्म कर है, मानो भय आहार मैथुन निद्रा हर जीवन में तुम्हें मिली, ये जीवन मोक्ष की प्राप्ति के लिए मिला है। देखो ये धर्म कह रहा है, वाह, ये जन्म तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति के लिए मिला है, मोक्ष के लिए मिला है। अब गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, सुर दुर्लभ मानव तन पाया, देवताओं को भी नहीं मिले दुर्लभ। श्रुति वेद को कहते हैं, पुराण सद ग्रंथन गाया, क्यों, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा जे न पाए परलोक सवारा। साहब क्या कह रहे हैं, मानव होकर नाम हुआ मुआस और डांगर डोल, मनुष्य मरने के लिए थोड़ी जन्म लिया है, वो तो अमर होने के लिए जन्म लिया है। गोस्वामी जी यहां बड़ा अच्छे अलंकार से कह रहे हैं, यह तन का फल विषय न भाई, भजो नाम सब काज बिहाई। इसलिए इस शरीर का लक्ष्य यही नहीं है। आज लोग कैसे जी रहे हैं वो बोलूं। इसलिए ये धर्म कह रहे हैं, हे मानो, तू शादी मत कर, ब्रह्मचर्य का पालन करते ब्रह्म की प्राप्ति करके मोक्ष प्राप्त कर, ये जगत मिथ्या है। और ये ज्ञान तत्व है तुम्हारे शरीर में, ये अवसर तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। कितनी ऊंची सोच है, ये एक संस्कृति है। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक शब्द कहा था,
हिंदुत्व पर। हिंदू एक संस्कृति है, ये एक संस्कृति है, और संस्कृति का बेस होता है भौगोलिक स्थिति। ये मैं व्याख्या कई बार कर चुका हूं। इसलिए हे मानव, तू विवाह न कर, तुम्हें बाल बच्चे होंगे, तू मोह में फिर फंस जाएगा, तब ईश्वर तक जाने की यात्रा तेरी असाध्य हो जाएगी। इसलिए तू ब्रह्म का चिंतन कर, सत शास्त्रों का अध्ययन करके, ब्रह्म का चिंतन करके मोक्ष की प्राप्ति कर। अगर तुम अब यहां ऑप्शन दे रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते, देखना चाहते हो क्या है नर नारी का योग, क्या है गृहस्थ आश्रम, तो फिर जीवन को चार हिस्सों में बांटा। कहा बाल ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ और सन्यास। पच्चीस साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करो, 25 साल की उम्र से पहले संभोग मत करना, 25 साल तक हड्डियां अस्थियां हाइट बढ़ती है, अगर इस बीच में तुम संभोग करोगे तुम्हारे शरीर का पूर्ण विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए गुरुकुलों में और ऋषि मुनियों के आश्रम में शिष्यों को वो ये ज्ञान देते थे, यहां तक कि राम जी भी गुरु से शिक्षा प्राप्त करने गए और वासुदेव कृष्ण भी गए संदीपन ऋषि के आश्रम में उज्जैनिया के पास। 25 साल आयु के बाद विवाह करो, देखो नर नारी का योग क्या है, गृहस्थ आश्रम क्या है। 50 वर्ष की अवस्था में तुम्हारा पुत्र युवा हो जाएगा और तुम जिम्मेदारी पुत्र के हवाले करना घर की, और नारी रजो निवृत्त होगी, उसका मासिक भी बंद हो जाएगा। मासिक बंद होने का मतलब है नारीत्व खत्म हो गया। कल पुनः फिर मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा साहब।